सभी बच्चों का स्वागत है हमारे ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। तो आज हम 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1.2 का 6th क्लास का। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार प्रयोग करते हुए हम यूज करेंगे, तो इसका हल किस प्रकार से होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होगी जैसे आरोही अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी और अवरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो बड़ी संख्या में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 पहले आ जाएगा, फिर 6, 4, 3, 2। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 2 सबसे छोटा है पहले आएगा, फिर 3, 4, 6, 7। ठीक है, इसमें से अब इसका अंतर ज्ञात करना है, तो बीच का अंतर कितना बचता है जिसको माइनस करने से, तो माइनस दोनों का अंतर होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर इससे हासिल लेंगे तो ये 16 बन जाएगा, 16 से ये 14 बन जाएगा, 14 से ये 13 बन जाएगा, 13 से 12 बन जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 12 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 13 बच जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 15, तो 15 में से 3 जाएगा, सॉरी 5 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से हासिल ली थी हमने तो 2, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। तो एक दिन में पेच बनाने की संख्या 2885 है, तो जनवरी माह में बनाए गए पेच की संख्या 2885 × 31 तो गुणा कर देंगे और कुल आ जाएगा इतने पेच बनाए, तो हम गुणा करते हैं 2825 लिखेंगे, फिर 31 गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 का पाड़ा 2 तक पढ़ना है, फिर 1 का पाड़ा 8 तक पढ़ना है तो 8 आएगा, 1 का पाड़ा 2 तक होता है 2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाना है और 3 का पाड़ा 5 तक पढ़ना है, तो 3 × 5 = 15 का हासिल लगा 1, और 3 × 6 = 1 = 7, 3 × 8 = 16, सॉरी गलत हो गया था, दोबारा देखते हैं, 5 का पाड़ा 3 तक पढ़ा तो 5, ठीक है, 5 आंसर लगा 1, और 3 × 6 = 1 = 7, 3 × 8 = 24, 24 का 4 लगेगा, आंसर लगेगी 2, 3 × 6 = 2 = 8। ठीक है, बाद में इसका प्लस कर देंगे, तो यहाँ से 5, 5 और 2 = 7, 8 और 7 = 15, हासिल का 1, 4 × 2 = 6 और 1 = 7 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने 87575 पेज बनाए। तो इसी प्रकार से 7वां सवाल देख लेते हैं हम। इसी प्रकार से 7वां सवाल है, एक व्यापारी के पास रुपये 78592 रुपये थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रहेगी। तो हम देखेंगे कि एक रेडियो का मूल्य कितना था, 1200। ठीक है, व्यापारी के पास कुल रुपये थे 78592, तो हम लिख लेते हैं व्यापारी के पास कुल रुपये कितने थे, 78592 रुपये, और एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये, तो उसने कितने खरीदने से, 40 रेडियो, तो 40 रेडियो को 40 से 1200 की गुणा करेंगे तब 48000 रुपये का उसने रेडियो खरीद लिया।
बाकी अब पूछा इसने खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो कुल ये थे उसके पास तो 48,000 के उसने रेडियो ले लिए। तो उसके बाद जो उसका बचेगा वो हम देख लेते हैं। शेष राशि कुल राशि में से शेष जो रेडियो की राशि थी उसमें से घटाएंगे। तो इस प्रकार से घटाना है, देख लेते हैं। 2 में से जब 0 जाएगा तो 2, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा 3। तो उसके पास 30,592 रुपये बच गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम आठवां सवाल। तो आठवां सवाल थोड़ा सा आपके लिए दिमाग लगाने वाला है। तो एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के साथ स्थान पर 65 से गुणा करना था कर दी 65 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। संकेत, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें नोट दिया गया है कि दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, तो 65 में से 56 माइनस कर देंगे और जो बचेगा 9 उसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो जो उसका सही उत्तर से अधिक था वो आंसर आ जाएगा। सही अधिक था तो 7,236 × 9 गुणा करेंगे, 9 6 54 आंसर लगा 5, 9 9 9 3 27, 27 और 2 27 और 5 32 आंसर का 3, 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 7 63 63 और 2 65। ठीक है, ये था आंसर इसका। आगे हम नौवां सवाल देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका हल देख लेते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 × 100 करेंगे +5 +15। ठीक है, और जब इसको गुणा करेंगे तो 215 आ जाएगा। और 40 मीटर कपड़े के लिए तो 1 मीटर में 100 होते हैं तो 40 को 100 से गुणा करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो अब 4,000 को 215 से भाग करेंगे तब जो शेष बचेगा कपड़ा, ठीक है, 18 कमीजें पूरी बन जाएगी और 130 देखते हैं। 215 को 4,000 से भाग करेंगे तो 215 का हमने टेबल लिख लिया यहाँ पर। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे तो 215 को एक बार पढ़ेंगे तो 215 400 से कम का, तो इसमें से जो शेष बचेगा 1,8,5 बचेगा। ठीक है, ऊपर से 0 उतारी और अब 1,720 तो 8 बार पढ़ेंगे तो ठीक है। फिर शेष जो कपड़ा बचेगा तो 130, तो 18 कमीजें जो पूरी बनेंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डिस्कस करते हैं। ठीक, वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा अलग है ये। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 kg 500 ग्राम है। तो एक वैन में जो 800 kg से अधिक का भार नहीं ले जा सकती तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, तो बक्से का भार 4 kg 500 ग्राम है तो kg का ग्राम में बदलने पर तो 4 × kg 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1,000 + इसका 500 करेंगे तो 4,500 ग्राम आ जाएगा। वेन में अधिकतम भार
800 के जी से ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है लिख लेंगे ये, तो 800 गुना 1000 करेंगे तो कुल ये ग्राम में आ जाएगा 8 लाख ग्राम होते हैं 800 किलो में, ठीक है। तो इसको 4500 से भाग करेंगे, तो इस प्रकार से भाग करनी है, ठीक है। भाग करनी आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो सीख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो 177 जो होंगी, यहाँ पर 3500 ग्राम बच जाएगा, ठीक है, 3500 ग्राम बच जाएगा और 177 बक्से जो है भरे जाएंगे। इसी प्रकार से 11वां सवाल देख लेते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल किस प्रकार होगा, तो छात्र के स्कूल तथा छात्र के स्कूल तथा घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर होती है, ठीक है। तो एक गुना, तो इसको चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में, ठीक है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो लिख लेंगे, ठीक है, 875 मीटर आ जाएगा। तो प्रत्येक दिन छात्र द्वारा तय की गई दूरी 1875, एक दिन की दूरी दो दिन तय करता है ना, तो इसको 2 बार जोड़ लेंगे तो 3750 हो जाएगा मीटर में। तो 6 दिन में यह तय की गई दूरी, तो 3750 गुना 6 दिन को लिख देंगे तो 22500 मीटर दूरी तय करेगा। तो 6 दिन में 22 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय करता है। तो अंतिम सवाल देख लेते हैं आज का। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो बर्तन में दही 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो 4 गुना इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 + 500 4500 मिलीलीटर आ जाएगा, कुल 180 गिलास। तो इसको 4500 से 25 से भाग करेंगे, ठीक है, ये 25 मिलीलीटर धारिता वाले, तो 25 के गिलास भरेंगे तो बाकी 100 कुल जो है इसका जो आएगा 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो 25 से कम 25, 45 में से 25 जाएंगे तो 20, 20 में ऊपर जुड़ने उतारेंगे तो 200 हो जाएगा, 225 का पहाड़े में 25 8, ठीक है, जो 1 0 बच जाएगी उसको यहाँ पर लगा देंगे तो 180 गिलास भरी जा सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी ही अगली प्रश्नावली में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।